हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो आज के इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम को लेके। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले मैंने अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में सुना था, मगर प्रॉपर कोई जानकारी नहीं था, ये भी बोल सकते हो प्रॉपर कोई नॉलेज नहीं था मेरे पास कि अमेज़न एफिलिएट के थ्रू लोग कैसे पैसा कमाता है और मैं भी कैसे घर बैठे बैठे इसको यूज़ करके पैसा कमा सकता हूँ, जिसको बोलता है एक प्रॉपर ऑनलाइन अर्निंग। तो ये कैसे किया जाता है, ये इसका कुछ नॉलेज मुझे नहीं था। तो आज का ये वीडियो, मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूं अमेज़न एफिलिएट प्रोग्रामिंग के ऊपर। जो भी बंदा इस वीडियो को फुल देखेगा स्टार्ट से लेके एंड तक, उसको अमेज़न एफिलिएट प्रोग्रामिंग को ज्वाइन कैसे करना होता है और इससे कैसे अर्निंग होता है, दोनों चीज प्रैक्टिकली जानना के लिए मिलेगा। ये आप लोग कैसे जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं कैसे मेरा अकाउंट क्रिएट किया हूँ ये मैं आज इस वीडियो पे दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद अकाउंट से कैसे लिंक को लेना होता है और उस लिंक को कैसे आप लोग यूज़ करोगे आपके अर्निंग के लिए। क्योंकि मुझे बहुत साल पहले ये तो मालूम था कि लिंक पे क्लिक करके कोई भी लोग कुछ खरीदेगा तो मुझे एज ए एफिलिएट कमीशन मिलेगा, मगर वो कैसे किया जाता है, इसको कैसे ज्वाइन करना होता है। और यहाँ पे वीडियो पे प्रैक्टिकली दिखाने से पहले दो तीन चीज़ जो मुझे पहले मालूम नहीं था वो भी शेयर कर देता हूँ, ताकि मेरे जैसा कोई भी लोग अगर प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो उनका कोई डाउट ना रहे। सबसे पहला बात, अमेज़न एफिलिएट प्रोग्रामिंग को आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आप लोग लिंक शेयर कर सकते हो अमेज़न प्रोडक्ट का। वो लिंक अगर कोई भी क्लिक करके कुछ भी खरीदेगा तो आपका कमीशन मिलेगा अमेज़न के ओर से, मगर वो पेमेंट जो है आपको तभी रिलीज़ होगा जब प्रोडक्ट खरीदा जाएगा उसके 60 डेज बाद, क्योंकि प्रोडक्ट कभी रिटर्न भी हो सकता है। अगर प्रोडक्ट रिटर्न हुआ तो आप कुछ पैसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अमेज़न को भी उससे कुछ पैसा इनकम नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट खरीद लिया और 60 डेज हो गया तो आपको आपका पेमेंट जो है मिल जाएगा, वो है कमीशन। और एक जो डाउट था मुझे कि बहुत सारे जनों ने वीडियो पे ऐसा बताता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अमेज़न का लिंक को यूज़ करके अगर कोई कुछ परचेस करता है तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे डाउट आया था कि वो जो लिंक मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर वेबसाइट पे डालता हूँ अमेज़न एफिलिएट का, वो लिंक क्या 24 घंटे होने के बाद कोई काम का नहीं है? 24 घंटे के बाद कोई भी आके इसको क्लिक करेगा और कुछ भी खरीदेगा तो क्या मुझे कमीशन नहीं मिलेगा? ये मुझे एक डाउट था, मगर बात ऐसा नहीं है। बात है, आप जो लिंक डालते हो उस पर जब भी कोई यूज़र आएगा, कोई व्यूअर आएगा, उसको क्लिक करेगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उस लिंक को क्लिक करके कोई भी जो यूज़र या व्यूअर आया है आपके चैनल पे या फिर आपके वेबसाइट पे, वो कुछ खरीदता है अमेज़न से तो आपको कमीशन मिल जाएगा। और यहाँ पे मुझे और एक डाउट था कि जो लिंक मैं शेयर करता हूँ जिस प्रोडक्ट का, उसी प्रोडक्ट को खरीदने में आपको कमीशन मिलेगा? नहीं भाई, सिर्फ उसी प्रोडक्ट को नहीं, अगर उस लिंक से क्लिक करके आपके थ्रू वो अमेज़न प्लेटफॉर्म पे जाएगा और कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा 24 घंटे के अंदर अंदर उस लिंक को जो भी क्लिक करके आया है व्यूअर, तो भी आपको पैसा मिलेगा। मगर आप एक बार लिंक ऐड कर दोगे और उस लिंक पे कोई भी कभी भी आके क्लिक करेगा और कुछ खरीदेगा 24 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको पैसा मिल जाएगा, वो भी कमीशन। तो ये मेरा एक डाउट था। तो आशा करता हूँ अगर आप लोगों में से भी किसी का ये डाउट है तो भी ये भी क्लियर हो गया। और जो एक बात है दोस्तों, वो है कि आपको 180 डेज के अंदर अंदर 3 प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद, कि आपके लिंक को क्लिक करके आप जो भी लिंक शेयर करोगे कोई भी प्लेटफॉर्म पे उसको क्लिक करके 3 सेल आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब चलता हूँ मेन प्रैक्टिकल वे जो मैं आज दिखाऊंगा, जिसके बाद आप लोगों के मन में कोई दुविधा नहीं रहेगा अमेज़न प्लेटफॉर्म से कैसे अर्निंग करता है एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके इसके ऊपर। और आने वाले टाइम पे अगर आपका इस वीडियो पे इंटरेस्ट रहा तो मैं नेक्स्ट एडवांस लेवल पे भी आप लोगों को और वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक देखने के बाद तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो नो मोर फर्दर डिले, चलिए अभी लैपटॉप के मॉनिटर पर जाते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। फिलहाल दोस्तों, मैं हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो आपको सबसे पहले जो करना है वो है आपको ब्राउज़र पे जाना है और अमेज़न सर्च करके
लेना है। अमेजन जैसे ही सर्च करोगे तो कुछ ऐसा आपके सामने भी खोल के आएगा, तो आपको amazon.in पे ही जाना है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इंडिया से जो भी प्रोफाइल है, जो भी अकाउंट है अमेजन का, वो amazon.in में होता है, .com में नहीं होता है। तो आपको amazon.in में क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने अमेजन का जो वेबसाइट है वो खोल के आ जाएगा। तो सिंपली से आपको ड्रैग करके नीचे जाना है, एकदम नीचे चला जाना है। तो मैं एकदम नीचे चला जाऊंगा सबसे पहले, तो आपको भी ऐसे नीचे चला आना है फुटर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेक मनी विथ आस। तो यहाँ पे सारे तरीका जो अमेजन प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने का है वो सारे हैं, जिसमें से मैं आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे आपको बिकम एन एफिलेट होना है, अमेजन एफिलेट प्रोग्राम को कैसे आपको ज्वाइन करना है और उससे आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हो, क्या तरीका है प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँगा अमेजन एफिलेट अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये लिंक पे बिकम एन एफिलेट वाला जो लिंक है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट होके इस पेज पे चले आओगे। तो ये जो आया हो अभी, ये है अमेजन का जो एसोसिएट अकाउंट प्रोग्राम है उसका। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एफिलेट प्रोग्राम हो गया टास्क बार पे, एफिलेट प्रोग्राम amazon.in, ये आपके सामने खोल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो करना है, ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो अभी मैं मेरा खुद का अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ। आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हो कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, वो भी अमेजन एसोसिएट अकाउंट, जिससे एफिलेट मनी आप लोग अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन अमेजन एसोसिएट अकाउंट। तो सबसे पहला स्टेप है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जाके आपका जो परमानेंट अकाउंट है वो अकाउंट डिटेल आपको डालना है। तो यहाँ पे आप आपका खुद का नाम डालना, जो कि बैंक के खाते पे या फिर आपके बाकी सारे प्रोफाइल पे होते हैं वही नेम यहाँ पे डालना। तो मैं यहाँ पे वो नाम डालूँगा, उसके बाद मेरा एड्रेस डालना है, क्योंकि एड्रेस जो है यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, मतलब कि मैंडेटरी है। उसके बाद आपका सिटी देना है, जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ में रहता है वही डालना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद रीजन डालना है, पिन कोड पोस्टल कोड डालना है, और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है, ये फॉर्मेलिटी को फिल करने के बाद आपको सबसे पहले जो करना पड़ेगा वो है, ये दो क्वेश्चन का आंसर भी साथ में देना है। एक तो है हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है द पे लिस्टेड एवोब, तो आपको सिंपली से यही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो आप US टैक्स पर्पस, आर यू US पर्सन, तो आप US पर्सन होंगे तो येस करना है, अगर नहीं हो तो इस पे नो करना है। कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं हमेशा नो करूँगा। और ये पूरा डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली से ये नेक्स्ट बटन में क्लिक कर लेना है। तो मैं अभी यह पूरा डिटेल फिल करूँगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा, तो मैं अभी इस पे भर लेऊँगा और उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक कर लूँगा और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाऊँगा वीडियो पे। सो दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट वाला जो क्राइटेरिया है वो मैंने फिल कर दिया। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन फ्री होने के बाद यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है। नेक्स्ट है वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट, मतलब कि आपके पास अगर कोई भी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का लिंक एफिलेट प्रोग्रामिंग के लिए आप लोग ऐड कर सकते हो, नहीं तो आपका कोई फेसबुक पेज है तो उसका लिंक, नहीं तो यूट्यूब चैनल है तो उसका लिंक, नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक, आप जो भी एफिलेट एसोसिएट अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हो, मतलब कि आप जहाँ पे आपका एफिलेट लिंक को शो करना चाहते हो उसी अकाउंट का जो लिंक होगा उसको आपको यहाँ पे डालना है एज ए वेबसाइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है एंटर योर वेबसाइट, नहीं तो यहाँ पे योर मोबाइल ऐप URL भी डाल सकते हो। तो अगर आपके पास कोई ब्लॉग है, अगर आप ब्लॉगर हो उस पर एफिलेट लिंक ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए आपका ब्लॉग जो है उसका डिटेल यहाँ पे डालना है लिंक, नहीं तो आपको डालना पड़ेगा आपका यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो, नहीं तो आप फेसबुक पेज का भी डाल सकते हो। तो मेरे पास है, मेरा मेन जो है वो है यूट्यूब चैनल, तो मैं यूट्यूब चैनल का जो लिंक है मैं यहाँ पे रख दिया ऑलरेडी। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको
करना पड़ेगा। तो मैंने लिंक को कॉपी कर लिया, तो अब लिंक को कॉपी करने के बाद चला आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे जाके कर दूंगा इसको पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली से ऐड करना है। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे लिंक है, मान लो यूट्यूब, फेसबुक पेज, उसके बाद आपका ब्लॉग, उसके बाद आपका वेबसाइट, तो आप सारे एक एक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एक ही लिंक जो है उसको ऐड करूँगा। और अगर आपके पास मोबाइल ऐप है, अगर ऐप पे आप एफिलेट करना चाहते हो तो उस ऐप का लिंक यहाँ पे डालना है। तो ये होने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से ड्रैग करके नीचे आना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये जो स्टेप है इस पे भी ग्रीन कलर का मार्क आ गया है, मतलब कि आपने ये स्टेप भी कंप्लीट कर चुके हो। तो अब है ये प्रोफाइल को भरना। तो यहाँ पे जो बेसिक फॉर्म होता है वैसा ही है, जिनमें मैंडेटरी पे स्टार दिया हुआ है, आपको सिर्फ रीड करके ये सारे जो है उसको भर देना है। जैसे व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, आप कौन सा आईडी चाहते हो, कौन सा नेम से आप चाहते हो एफिलेट आईडी को बनाने के लिए, ये आपको डालना है। उसके बाद व्हाट्स योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स अबाउट, मतलब आप जिस वेबसाइट या ऐप्स को एफिलेट करना चाहते हो, प्रोग्राम के साथ ऐड करना चाहते हो, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। और उसके बाद एक एक ऑप्शन को आपको सिर्फ सिंपली से भर देना है। जैसे व्हिच ऑफ द टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, आपका चैनल या आपका पेज या फिर आपका वेबसाइट जो भी कैटेगरी से है उसको आपको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा जो चैनल है यूट्यूब का वो टेक्नोलॉजी से है, तो मैं टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लूँगा। ऐसे करके आपको भी सिलेक्ट कर लेना और भर देना है। ये सारे भी मैंडेटरी है। तो आपका जो टॉपिक है, आपका जो नीच है, आपका जो कैटेगरी है, उससे रिलेटेड सिर्फ टिक मार्क को सिलेक्ट करके भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है व्हाट टाइप्स आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, तो ये भी आपको आपके टाइप से भर देना है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म है जो आपको बेसिक नॉर्मल वे में भरना है। ट्रैफिक कहाँ से आते हैं, एसईओ, ब्लॉग आपका जहाँ से आता है लगता है आपको, वो आपको टिक कर लेना है। ऐसे करके आपको भर देना है ये पूरा डिटेल। तो ये डिटेल पूरा भरने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करना होता है और यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट टर्म है इसको टिक मार्क को सिलेक्ट कर लेना होता है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो फिनिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अभी ये भरूंगा, मगर वीडियो लंबा होने के वजह से मैं ये सब दिखाने वाला नहीं हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं दिखाऊंगा उसके बाद। तो पहले मैं ये भर लेता हूँ। तो अभी मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने क्लिक कर दिया फिनिश पे, तो ये अब रीडायरेक्ट होके नया पेज आपके सामने आ गया है। तो ये जो थर्ड क्राइटेरिया था प्रोफाइल का, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैसेज भी आया है, कंग्रेचुलेट दीप्तनु, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द amazon.in एसोसिएट प्रोग्राम, योर यूनिक एसोसिएट आईडी इज़ दीप्तनु शिल 21। तो ये क्रिएट हो गया, मेरा अमेज़न का जो एसोसिएट प्रोग्राम का आईडी है वो भी क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो एंटर योर पेमेंट एंड टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और आपका जो पेमेंट है वो लेने के लिए आपको यह नाउ पे क्लिक करना है और फिर आपके बैंक के डिटेल, मतलब आप कैसे लेना चाहते हो आपके पेमेंट को, वो आपको यहाँ पे भर देना है। तो मैं फिलहाल ये नहीं भरूंगा, तो मैं इसको अभी लेटर स्किप कर देता हूँ, लेटर पे क्लिक करके ये बाद में मैं पेमेंट ऑप्शन को भर दूंगा। तो उसके बाद दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। तो आपने गेट स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है इम्पॉर्टेंट नोटिस, बिफोर वी कैन पे वी मस्ट हैव योर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको भरना ही है आपको पेमेंट लेने के लिए। और तो ये दोनों आपको भरना है, तो मैं ये बाद में भर दूंगा। तो अभी जो है मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। तो अब जो मैं दिखाने वाला हूँ वो है उससे भी इंटरेस्टिंग, मतलब आप एफिलेट प्रोग्राम को ज्वाइन करके कैसे पैसा कमा सकते हो, ये मैं नेक्स्ट स्टेप आपको इस वीडियो पर दिखाने। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो रिपोर्ट करके एक ऑप्शन रहता है, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, फिलहाल तो मैंने अभी मेरा अकाउंट क्रिएट किया है, आप लोगों को मालूम ही है, तो डिटेल्स तो आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, मगर यह रिपोर्ट के थ्रू ही आपको मालूम पड़ेगा कि आपके एफिलेट अकाउंट के थ्रू कितना पैसा इनकम हो रहा है। यहाँ पे समरी दिखाएगा और यहाँ पे फी भी दिखाएगा। तो ये लास्ट 30 डेज का आप देख सकते होंगे यहाँ पे, तो ये आपको रिपोर्ट पे जाके ही देखना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों मैंने एफिलेट अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट करना होता है पूरा डिटेलिंग में दिखाया है। अब एफिलेट अकाउंट को यूज़ करके आप कैसे
पैसा कमाओगे, ये भी मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे चला जाऊँगा और फिर से मेरा अमेज़न अकाउंट जो अभी था मेरा वो खोल लूँगा। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एफिलेट प्रोग्राम तो मैंने क्रिएट कर लिया। तो अभी जब आप लॉगिन हो गए आपके amazon.in पे, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एक नया सा टूल बार आप बोल सकते हो या फिर मेनू बार बोल सकते हो जो ऊपर आ जाएगा, जो कि है अमेज़न एसोसिएट का। तो ये अमेज़न एसोसिएट का जो टूल बार है वो तभी आएगा जब आप एफिलेट प्रोग्रामिंग को ज्वाइन कर लोगे। तो एफिलेट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद ही ये टास्क बार आ जाएगा। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये एफिलेट प्रोग्राम ज्वाइन होने से आप कैसे पैसा कमा सकते हो, इसका भी एक लाइव एग्जांपल आपको अभी दिखाई दूंगा। तो मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना चाहते हो, जिसके थ्रू एफिलेट लिंक को शेयर करके आप पैसा कमाना चाहते हो। तो कोई भी प्रोडक्ट, मान लो मोबाइल आजकल ज़्यादा डिमांड में है, तो मैं मोबाइल का ही एक ऐसे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च बॉक्स पे जाके मोबाइल सर्च दिया, जो भी आएगा प्रोडक्ट उठा के आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखा दूँगा। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा मोबाइल आ गया होगा, तो यहाँ से कोई एक मोबाइल का मैं उठा लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन कर लिया, तो जैसे ही क्लिक करोगे ये ओपन होके आपके सामने कुछ इस तरीके का दिखने को मिलेगा। तो मान लो ये जो मोबाइल अभी आया है, इसका ही एफिलेट लिंक आपको लेना है, और आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो, जहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस है, या फिर आप जहाँ पर क्रिएटर हो, या फिर जहाँ पर आपके फॉलोअर है, तो वहाँ पर आपको लिंक को शेयर करना है। और इस लिंक के थ्रू जाके जो भी इस प्रोडक्ट को अमेज़न से खरीदेगा, तो आपको आपका कमीशन जो है वो मिल जाएगा, जो आपको आपके एफिलिएट एसोसिएट प्रोग्राम के थ्रू पेमेंट के थ्रू मिल जाएगा। तो यहां पे मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको, ये जो मोबाइल अभी खोल के आया है, इसका लिंक कहां से लोगे। तो यहां पे अमेज़न एसोसिएट अकाउंट है, तो यहां पे आप देख सकते हो एक टैक्स करके एक ऑप्शन है, तो इस पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एफिलिएट लिंक जो है यहां पे आप देख सकते हो, तो इसको सिंपली से आपको कर लेना है कॉपी। तो कंट्रोल थ्री मार के मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं आपको ये जो लिंक है इसको कैसे यूज़ करोगे ये भी दिखा देता हूँ। तो मैं मेरे फेसबुक अकाउंट के पेज को फिलहाल ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा। मान लो आपके फेसबुक पेज पे बहुत सारा फॉलोअर है, या फिर आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हो फेसबुक पेज पे, तो आपको सिंपली से जाके इस लिंक को डालना है। मैं डाल दूँगा यहाँ पे। तो जैसे ही आप लिंक को डालोगे तो लिंक यहाँ पे फेचिंग होगा, फेचिंग प्रीव्यू हो रहा है। जैसे ही फ्री फेच हो जाएगा तो यहाँ पे आपको मोबाइल का जो आइटम है, मोबाइल जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हो मोबाइल जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो आ गया है। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये लिंक को आप हटा दे सकते हो अभी, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा। और उसके बाद आप लिख सकते हो कोई भी कि अगर आप लोग चाहो तो इस पर 500 का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ऐसे लिख दे सकते हो 500 डिस्काउंट, ऐसे करके आप लिख सकते हो। मगर मतलब कि आप जो भी चाहो यहाँ पे लिखने का, जिससे आपके आप इन्फ्लुएंस कर सको आपके ऑडियंस को, और ऑडियंस जो है इस प्रोडक्ट को आपके लिंक के थ्रू जाके खरीदे। और उसके बाद जो आपको करना पड़ेगा वो है आपको सिंपली से जाके इसको शेयर कर देना है आपके पेज पे। तो मैंने अभी फ़िलहाल शेयर कर दिया है। तो दोस्तों शेयर करने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पे शेयर हो रहा है, अभी अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा ये प्रोडक्ट शो करने लगेगा। तो ये अभी देख सकते हो मेरे फेसबुक पेज पे मैंने इस प्रोडक्ट को एफिलिएट लिंक के द्वारा शो कर दिया है। तो अब कोई भी ऑडियंस या कोई भी यूज़र या कोई भी व्यूअर आके इस लिंक को क्लिक करके एफिलेट के द्वारा, आपके द्वारा क्रिएट किए गए एफिलेट लिंक के द्वारा अगर वो जाके अमेज़न से ये प्रोडक्ट खरीदेगा, अभी तो ये मैं फेसबुक के एनवायरनमेंट में हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो मैं चला आऊँगा फिर से अमेज़न वेबसाइट पे। तो ऐसे ही लिंक को क्लिक करके अगर कोई भी बंदा जाके उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो आपको मिल जाएगा इसका कमीशन। अब एक बात और बता देता हूँ जो बहुत सारे नए नए क्रिएटर को डाउट रहता है, ये जो लिंक को क्लिक करके कोई भी यूज़र या व्यूअर आएगा, वो लोग आपके लिंक को एक बार क्लिक करने के बाद अगर अमेज़न से वो प्रोडक्ट 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब जब भी कोई व्यूअर फॉलोअर या फिर कोई भी ऑडियंस उसको क्लिक करके आएगा, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उस लिंक के द्वारा अमेज़न पे आके आपका प्रोडक्ट जो भी आपने शेयर किया था एफिलिएट लिंक के द्वारा
या फिर कोई भी प्रोडक्ट को अमेज़न वेबसाइट से खरीदे मगर लिंक जो है आपका क्लिक करके आया था एक दिन में, मतलब 24 घंटे में एक बार आया था, और उस 24 घंटे में पहले बार जब आया था तब नहीं ख़रीदा मान लो, मगर बाद में फिर से ऐप अमेज़न को उसी दिन ओपन करके कुछ ख़रीद लिया, तो भी आपको कमीशन मिल जाएगा। तो आप जो लिंक डालते हो डिस्क्रिप्शन पे यूट्यूब के वीडियो पे, नहीं तो आपके वेबसाइट पे, नहीं तो आपके ब्लॉग पे, नहीं तो फेसबुक पेज पे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे, नहीं तो टिकटॉक पे, कहीं पे भी डालते हो, उस लिंक को क्लिक करके अगर कोई भी लोग उस लिंक को क्लिक करके कुछ भी खरीदे तो आपको कमीशन मिल जाएगा। तो आप एक बार लिंक क्रिएट कर लिया वीडियो पे, कोई भी आपके प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए, उस पर क्लिक करके कभी भी कोई लोग आके खरीदेगा तो आपको मिल जाएगा कमीशन। आशा करता हूँ आज के ये वीडियो से आपको पूरा प्रोसेस मालूम पड़ गया है कि अमेज़न एफिलिएट प्रोग्रामिंग को कैसे ज्वाइन करना है, उस प्रोग्राम को ज्वाइन करके कैसे आपको पैसा कमाना है। और ये जो लिंक है आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। सिर्फ इस लिंक के थ्रू थर्ड पार्टी कोई भी लोग आके कुछ ना कुछ अमेज़न प्लेटफॉर्म से खरीदना है, जिसके थ्रू आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग इसके थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को कर देना लाइक। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।